हेलो दोस्तों, जय श्री राम। एस प्रेडिक्शन में स्वागत है आप लोगों का। कैसे हो आप लोग दोस्तों? कैसा रहा होली? कल होली की वजह से दोस्तों मैं घर पे नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया, कहीं और चला गया था मैं। तो दोस्तों होली अच्छे से मनाई, आशा करता हूँ अच्छे से मनाए होंगे आप लोग। दोस्तों कल मैंने सही टीम लगाया था लेकिन मेरा अच्छा रिजल्ट आया था। मैंने टेलीग्राम प्रेडिक्शन नहीं किया था, सॉरी मतलब यूट्यूब पर प्रेडिक्शन नहीं किया था लेकिन टेलीग्राम पर मेरा टीम गया था, आप देख लेना जाके। काफ़ी अच्छा बैटिंग किया है विराट कोहली, मैंने तीन टीम भेजे थे, तीनों में विराट कोहली कैप्टन बनाया था, तो मेरा टीम काफ़ी अच्छा रहा था। बस जॉनी बेयरस्टो और ये क्या बोलते हैं डुप्लेसिस के चक्कर में दोस्तों मेरा टीम खराब हो गया। जीएल नहीं तो जीएल तो कल आने वाला ही था। कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा आज अच्छा वीडियो बनाए। तो दोस्तों आज की मैच होने वाली है सीएसके बनाम जीटी की, जो लास्ट ईयर फाइनलिस्ट और फाइनल थे, फाइनल जीते हुए थे, तो काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है। तो दोस्तों दोनों टीमों के पहले प्रोबेबल इलेवन की बातें करते हैं, उसके बाद आगे बातें करेंगे। तो पहले बातें करते हैं सीएसके की प्रोबेबल इलेवन की। तो सीएसके में ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरी मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एस रिजवी, एमएस धोनी, टी चहल, तुषार देशपांडे, महेश तीक्ष्णा, ये दोस्तों सीएसके की प्रोबेबल इलेवन है। अगर इसमें कुछ चेंजिंग होगी तो मैं आफ्टर टॉस अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और दोस्तों मैं अभी मतलब ये टॉप प्लेयर का नाम किसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यदि सीएसके पहले बैटिंग करती है तो एक गेंदबाज इम्पैक्ट में डालेंगे, अगर सीएसके चेस करती है तो फिर एक बल्लेबाज इम्पैक्ट में डालेंगे। बल्लेबाज में हो गया आपको शिवम दुबे। तो अब सीएसके की जीटी की बातें करते हैं। अब बातें करते हैं दोस्तों गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, ए उमर जाई, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, स्पेंसर जॉनसन, उमेश यादव, ये दोस्तों जीटी की प्रोबेबल इलेवन है। अगर इसमें भी कुछ चेंजिंग होगा तो मैं आफ्टर टॉस आपको डालूँ। इम्पैक्ट प्लेयर का नाम मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं पिच रिपोर्ट की ओर, जो कहाँ मैच होगी, कैसा पिच रहेगा, कैसा पिच खेलने वाला है। तो दोस्तों ये मैच चेपॉक यानी एम एच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेले जाएंगे, जो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है। यहाँ पे एक मैच हो चुका है जो सीएसके और आरसीबी के बीच हुआ था। दोस्तों ये बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा, वैसे बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए काफ़ी अच्छा पिच है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे तीन चार पिच दिए हुए हैं, तो कभी स्पिनर के लिए पिच बन जाता है, तो कभी पेसर्स के लिए, तो कभी बैटिंग के लिए। तो ये प्रेडिक्ट करना अभी मतलब थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी पिच पे होगी, लेकिन हाँ हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं जो बैटिंग सर्फेस और बॉलिंग सर्फेस दोनों के लिए इक्वल एडवांटेज मिलने वाला है दोनों को। तो दोस्तों यहाँ का जो एवरेज स्कोर है 163 है। यहाँ पे टोटल 77 मैच आईपीएल के खेले गए हैं, जो फर्स्ट बैटिंग करते हुए 46 मैच जीता गया है और सेकंड बैटिंग करते हुए 31 मैच जीता गया है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट बैटिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन लास्ट मैच में सीएसके ने चेज करके मैच जीता है, ये भी दोस्तों दिमाग में रखना आप। यहाँ पर लास्ट 11 मैच जो खेले गए हैं पेसर्स को 81 विकेट मिला है और स्पिनर को 46 विकेट मिला है। तो दोस्तों ये ग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है, खासकर चेन्नई के लिए तो काफ़ी अच्छा ही ग्राउंड है। चेन्नई बहुत कम मैच इस पर हारा है, 18 मैच ही हार पाया है अभी तक, बाकी सारे मैच जीते हैं, 63 मैच में 45 मैच जीत चुका है चेन्नई इस ग्राउंड पे। काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है दोस्तों। दोस्तों अब टीम की एनालिसिस करते हैं, जो कैसा ग्राउंड मतलब कौन कौन अच्छा खेलेगा, कौन कौन नहीं अच्छा खेलेगा। दोस्तों आज लिखवा के ले लो, ऋतुराज गायकवाड़ 100% अच्छा रन बनाएगा अगर पहले सीएसके बैटिंग करती है तो, 50+ तो बनाएगा ही, ये कन्फर्म हूँ। रचिन रविंद्र भी अच्छा स्टार्ट कर सकता है, ये भी 50+ बना सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा डाउट है, लेकिन गायकवाड़ की चांस दोस्तों 99% है जो ये 50+ रन बनाएगा। तो आप मेरा तो दोनों रहेगा दोस्तों, आर गायकवाड़ और रचिन रविंद्र दोनों मैं अपनी टीम में रखूंगा। वन डाउन अजिंक्य रहाणे आएंगे, ये भी मेरी टीम में रहेंगे। डेरी मिचेल को दोस्तों मैं नहीं रखूंगा अपनी टीम में, और मुझे लग रहा है दोस्तों ये मिचेल अब नहीं चलेगा अच्छा। अब चाहो तो शिवम दुबे को रख सकते हैं, क्योंकि स्पिन अच्छा खेलता है, सीएसके के ग्राउंड है, तो जीटी दो तीन स्पिनर के दो तो फिक्स है, जो साई किशोर और राशिद खेलेंगे, तो दोनों उसमें शिवम दुबे अच्छा खेलेगा, तो आप चाहो तो रख सकते हो शिवम दुबे। रविंद्र जडेजा ये तो ऑलमोस्ट मेरी टीम में रहेंगे ही, और इससे चाहो तो आप कैप्टन भी बना सकते हो एमएस धोनी दोस्तों। और बॉलिंग में मैं तीक्ष्णा और तुषार पांडे को रखूंगा। तीक्ष्णा दोस्तों इस ग्राउंड पर अच्छा बॉलिंग है, क्वालिटी गेंदबाज है, ये अच्छा बॉलिंग करेगा, मुझे लग रहा है जो एक दो विकेट इसे मिलने वाला है। तो अब दोस्तों जीटी की बातें करते हैं। तो जीटी में शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपनिंग करने आएंगे। दोस्तों विकेट में कोई मतलब ये नहीं है, जो एक एमएस बचता है तो एमएस को तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि बहुत नीचे आता है, तो आप रिद्धिमान साहा के साथ जा सकते हो, जाना ही है, मजबूरी है हम लोगों की।
तो रिद्धिमान शाह के साथ जाएंगे और शुभमन गिल के साथ जाएंगे। दोस्तों शुभमन गिल इस मैच में भी 50 प्लस रन नहीं बनाएगा, ये लिखवा के ले लेना आप। साई सुदर्शन को लास्ट आईपीएल में जो फाइनल हुआ था चेन्नई और इसके बीच, तो 96 रन साई सुदर्शन ने बनाया था। तो साई सुदर्शन भी चेन्नई मतलब ये अच्छा खेलता है, स्पिन अच्छा खेलता है, तो आप चाहो तो साई सुदर्शन के साथ जा सकते हो। ये उमर जाई दोस्तों या तो मेरे गुजरात पहले बैटिंग करता है तो जीटी ये उमर जाई मेरे कैप्टन रहेंगे, अगर गुजरात फील्डिंग करता है चेस करता है तो उमर जाई मेरे वाइस कैप्टन रहने वाले, ये आप नोट करके रख लेना। तो ये तो मेरे रहेंगे ही। विजय शंकर को दोस्तों मैं नहीं रखूंगा। मिलर को दोस्तों मैं देखूंगा आफ्टर टॉस जो कैसा मतलब जीटी की रहती है प्लेइंग 11, उसके बाद मैं मिलर को टीम में रखूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं मिलर के साथ नहीं जाऊंगा, राशिद खान रहने वाले मेरे टीम में और किशोर रहने वाले हैं। तो ये दोस्तों जीटी की मतलब फैंटेसी टीम है। अब मैं 5 ट्रंप प्लेयर का नाम बता रहा हूँ जो 100% चलेगा ही, 99% चलेगा ही, 1% की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, कोई भी नहीं लेगा, लेकिन 99% दोस्तों चलेगा। इसको आप बिल्कुल भी अपनी टीम से चेंज मत करना। तो एक हो गया जीटी से मैं बात करता हूँ, ए उमर जाई, राशिद खान, और सीएसके से मैं बातें करता हूँ दोस्तों आर गायकवाड़, रविंद्र जडेजा और रहाणे। ये दोस्तों 5 मेरे ट्रंप प्लेयर है, इसको अपनी टीम में 110% रखना, जितना टीम लगाओगे 5 प्लेयर को रखना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।